यदि आपके अगरबत्ती मेकिंग मशीन के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की बंबू स्टिक नहीं मिलती है तो जो आपका प्रोडक्शन है, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन 70 kg होने वाला था दिन भर का, वो प्रोडक्शन 7 kg पे भी आके अटक सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बंबू स्टिक इन अगरबत्ती इंडस्ट्री। इस तरह के बंबू स्टिक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो अगरबत्ती मेकिंग मशीन जो होता है फुली ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन, उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो बंबू स्टिक होता है। सही देखा आपने, इंपॉर्टेंस ऑफ बंबू स्टिक इन अगरबत्ती इंडस्ट्री। क्या होता है बंबू स्टिक का इंपॉर्टेंस अगरबत्ती इंडस्ट्री के अंदर, इस चीज़ को आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी मिस मत करिएगा। इससे पहले बता दूं, मेरा नाम है हरिमोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। प्लस आपके जो भी सलाह सुझाव सजेशंस हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अगरबत्ती इंडस्ट्री के अंदर बम्बू स्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है। चूँकि कई तरह के बम्बू स्टिक्स मार्केट में अवेलेबल है तो उस चीज़ के लिए हमें ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि बम्बू स्टिक हमें कौन सी लेनी चाहिए, बम्बू स्टिक की क्या महत्व होते हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर। तो अगरबत्ती मेकिंग मशीन जो होता है फुल्ली ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन, उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो बम्बू स्टिक होता है। यदि आपके अगरबत्ती मेकिंग मशीन के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की बम्बू स्टिक नहीं मिलती है तो जो आपका प्रोडक्शन है, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन 70 kg होने वाला था दिन भर का, वो प्रोडक्शन 7 kg पे भी आके अटक सकता है। सही सुना आपने, जो अगरबत्ती जो मशीन आपका दिन भर का प्रोडक्शन 70 kg कर सकता है, यदि आप उस मशीन को अच्छी क्वालिटी की बम्बू स्टिक नहीं देते हो, बेहतरीन क्वालिटी की बम्बू स्टिक नहीं देते हो, तो वो जो अपना प्रोडक्शन है 7 kg तक गिरा सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बम्बू स्टिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब इसका महत्व क्यों होता है वो भी हम लोग समझते हैं। तो बम्बू स्टिक बहुत ही पतला होता है, 1 point something mm का, 1.2-1.3 mm का बम्बू स्टिक आता है। और बहुत ज़्यादा पतला होने के कारण उसमें जो मशीन के अंदर पकड़ने की क्षमता होती है वो भी एक निश्चित ही होती है। कि यदि मशीन बम्बू स्टिक जो है वो एक निश्चित पैरामीटर से अगर ज़्यादा मोटा होता है तो भी मशीन उसको पकड़ नहीं पाएगा सही से। यदि ज़्यादा पतला होता है, एक निश्चित पैरामीटर से ज़्यादा पतला होता है, तो मशीन एक साथ 2 bamboo stick को पकड़ लेगा। अब यदि मशीन 2 bamboo stick को पकड़ लेगा तो जाहिर सी बात है हमारी मशीन रुक जाएगी, चूँकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। जब भी कोई स्टिक जंप करेगा, मतलब अतिरिक्त गतिविधि कुछ भी होगा, तो जो हमारी मशीन है वो रुक जाएगी। तो इस कारण से मशीन हमारी रुक जाएगी। इसके अलावा बम्बू स्टिक जो लोकल मार्केट में मिलती है, उस बम्बू स्टिक की स्ट्रेंथ, मशीन के अंदर बम्बू स्टिक की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर जो भी लोकल बम्बू स्टिक्स जो भी होती है, लोकल मीन्स ये नहीं कि ख़राब को लोकल कहा जाता है, लोकल मीन्स ये कि जो स्थानीय बम्बू स्टिक्स हैं। अब आप समझ रहे हो, हर चीज़ खुल के बोलना मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है। लोकल बम्बू स्टिक्स का क्या मतलब है? तो लोकल बम्बू स्टिक्स के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे ही मशीन उसको खींचता है तो लोकल बम्बू स्टिक के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, इस कारण से कई ज़्यादा टूटती है तो मशीन ज़्यादा रुकती है। इसके अलावा बम्बू स्टिक्स के अंदर फिनिशिंग कम होती है। जो बेहतरीन मशीन अगरबत्ती मेकिंग मशीन के लिए जो बम्बू स्टिक चाहिए वो एकदम फिनिश चाहिए, कहीं भी कुछ उड़बुरा भुरबुरा जैसा नहीं होना चाहिए, एकदम फिनिश बम्बू स्टिक चाहिए। तो ये चीज़ें यदि होती है आपके बम्बू स्टिक्स के अंदर तो अच्छी क्वालिटी की बम्बू स्टिक्स मानी जाती है। मार्केट में कई तरह के चाइना की बम्बू स्टिक्स अवेलेबल है, वियतनाम की बम्बू स्टिक्स अवेलेबल है, इंडियन बम्बू स्टिक्स भी अवेलेबल है। तो अच्छी क्वालिटी की बम्बू स्टिक हर तरह के मार्केट में पाई जाती है, बस आपको सोर्स करने की आवश्यकता है। सामान्यतः हमारे मार्केट में जो बम्बू स्टिक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है अभी के टाइम पे, वो चाइना बम्बू स्टिक होता है। चाइना बम्बू स्टिक में भी अलग अलग लेयर्स आते हैं, तो जो फर्स्ट लेयर बम्बू स्टिक होता है वही बेस्ट माना जाता है। उसमें भी ग्रेड्स होते हैं, तो जो ट्रिपल ए ग्रेड का होता है वो बेस्ट बम्बू स्टिक माना जाता है। तो अगरबत्ती इंडस्ट्री के अंदर आपका प्रोडक्शन कितना होगा, आपकी ग्रोथ कितनी होगी, ये इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप जो बम्बू स्टिक खरीद रहे हो वो किस क्वालिटी की है। यदि आप गलत बम्बू स्टिक खरीद लेते हो तो आपकी जो दिन भर की प्रोडक्शन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है,
कि जहाँ 70 केजी होना था वो 7 केजी पे आके अटक सकता है। तो जहाँ पे आपका माल 70 केजी बनना था आप 7 केजी बना के बैठ जाओगे तो बिजनेस तो आपका लॉस में जाएगा ही। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और प्राइस का जो बात है, अलग अलग क्वालिटीज़ के बम्बू स्टिक के अंदर प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है दोस्तों। प्राइस का जो डिफरेंस है वो पर के जी 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, इसी के अराउंड रहता है प्राइस डिफरेंस का। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सस्ती चीज़ लेके बहुत ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट आप बना लोगे, आपको उस चीज़ का लॉस ही होगा। क्योंकि जहाँ पे आपका प्रोडक्शन 70 केजी होना था, अगर प्रोडक्शन 7 केजी ना हो के अगर 20 केजी भी होता है तो भी आपको लॉस ही होगा, ठीक है ना। तो अच्छी क्वालिटी की बम्बू स्टिक को आपको यूज करना है। बाकी कैसे पहचानना है वो मैंने आपको बता दिया है कि बम्बू स्टिक के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होगी, फिनिशिंग बढ़िया होगी, डैमेज कम होंगे, प्लस एक साइज़ का होगा सब भी, और सारा राउंड होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्क्वायर है, कोई चीरा हुआ है, कोई कुछ है, नहीं, सब का सब राउंड होगा। 1-2% उसमें भी वेस्टेज आते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी की बम्बू स्टिक होती है उसमें भी 1-4% तक वेस्टेज जाते हैं। तो उसको तो आपको देख के चलना ही पड़ेगा, तो उतना वेस्टेज जाएगा। बाकी अगर उससे ज़्यादा वेस्टेज जाता है तो फिर वो बम्बू स्टिक ठीक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।